जदीद काश्तकारी और ज़रई तहकीक के फरोग के बायस पाकिस्तान अब गंदम बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है, लेकिन ज़रई पैदावार और मसनूआत को नुकसानदेह कीड़ों, परिंदों, जानवरों, धूप, आंधी बारिश, शदीद मौसमी असरात और कुदरती आफात से सख्त नुकसान पहुंचता है। सरकारी निरखों पर 70 लाख टन से जायद गंदम की फौरी खरीदारी पास्को और खुराक के सूबाई महकमों की जिम्मेदारी है। मुल्क में इस वक्त फकत 55 लाख टन गंदम घरों की तर्ज पर बने रिवायती गोदामों में जखीरा करने की गुंजाइश है। इसमें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की 10 लाख टन गंदम जखीरा करने की सहूलत भी मौजूद है। 50% से जायद गल्ला किसान अपने घरों में कच्ची पक्की कोठियों, भड़ोलों और जस्ती चादरों से बने स्टोरों में जखीरा करते हैं। आम मुशाहिदा है कि बारदाने की कमी, अजनास को सही तरीके से महफूज करने के मुनासिब इंतजामात न होने, गैर तरबियत याफ्ता अमले और बदउनवानी के बायस अरबों रुपए मालियत की पैदावार हर साल सारिफीन तक पहुंचने से पहले ही गोदामों या खुले आसमान तले पड़ी कीड़े मकौड़ों, चूहों और मौसमी असरात की नज़र हो जाती है। पैदावार को महफूज करने के नाकिस बंदोबस्त की वजह से इसका मयार भी बुरी तरह मुतासर होता है, जिससे काश्तकारों के मेहनत ही जाये नहीं जाती बल्कि मजमूई कौमी पैदावार और आमदन पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। महफूज गजा खाना हर शख्स का बुनियादी हक है। अगर गजा में जरर रसा चीजें मौजूद होंगी तो तरह तरह के बीमारियाँ और तकालीफ में वो मुबतला हो सकता है। पाकिस्तान में हमने अब तक इसका कोई मरबूत निज़ाम नहीं बनाया, जबकि सारी दुनिया में इस सिलसिले में बहुत तरक्की की गई है और मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ टेस्टों के जरिए गजा को जांचा जाता है इससे पहले कि वो कोई इंसान उसको खाए। यहां तक कि साल में 150 के करीब ऐसे कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मंडियों से जो है ना वापस पाकिस्तान भेज दिए जाते हैं, इस बुनियाद पर कि ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। पैदावारी मकामात या मार्केटों के नज़दीक स्टोरेज की वसी और अर्जा सहूलियात के फुकदान के बायस किसान अपनी पैदावार को औने पौने दामों बेचने पर मजबूर होते हैं, जिससे एक तरफ उन्हें अपनी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता और दूसरी जानब आड़ती, ब्रोकर और जखीरा अंदोजी करने वाले अनासर इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और अशिया खोर नोश की मस्नूई किल्लत पैदा करके अवाम में बेचैनी का बायस बनते हैं। पाकिस्तान में साइंसी बुनियादों पर तामीर करदा गोदामों की शदीद किल्लत पाई जाती है। तवानाई की किल्लत, तरगीबात की कमी और दीगर इंतजामी मुश्किलात के बायस निजी शोबा भी इस मैदान में सरमायाकारी से गुरेजा नजर आता है। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के माहिरीन ने अजनास को नुकसानदेह कीड़ों, जानवरों और नामवाफिक मौसमी असरात से बचाने के लिए 13 मुख्तलिफ साइंसी मॉडल यानी तरीके तजवीज किए हैं, जिन पर अमल करके पंजाब और सिंध के खुराक की सूबाई महकमे हर साल खरबों रुपए मालियत की गंदम महफूज करने की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मकामी, सूबाई और विफाकी हुकूमतों का फर्ज है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से कीमती गल्ला जखीरा करने की इन जदीद सहूलियात में इजाफे के लिए भरपूर इकदामात करें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर कोई मरबूत निज़ाम या ऐसे लॉज अब तक नहीं बनाए जा सके जिसके तहत हम अपनी गजा की के मयार को सही तरीके से जांच सकें। गो के PARC ने इस सिलसिले में काफ़ी, मैं समझता हूँ कि तरक्की की है और उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज पैदा की हैं जैसे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स, जैसे हैवी मेटल्स, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जैसे पैथोलॉजी, ये तमाम चीज़ों से की टेस्टिंग की जा सके और तयन किया जा सके कि ये खाने के लायक हैं या नहीं हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि एक मरबूत निज़ाम के तहत ये चीज़ ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में बल्कि सूबों में भी जो है मजबूत तरीके से जो है वो नाफिस की जाए और हर गजाई जिन्स जो मार्केट में आती है उसकी सेफ्टी कि वो इस लायक है कि नहीं,
उसका तयन करने के बाद ही वो मार्केट में जो है ना लाई जा सके। इसके अलावा निजी शोबे और ज़रई माहिरीन की मदद से अर्ज़ा निरखों पर जमीन, कर्जे और तवानाई जैसी मुनासिब तहकीबात और स्टोर मैनेजमेंट की तरबीती सहूलत फराहम करके हम न सिर्फ ज़रई पैदावार को पहुँचने वाले भारी नुकसानात का अजाला कर सकते हैं, बल्कि इस तरह मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई गुर्बत पर भी काबू पाया जा सकता है।